बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने मुतवाज़िल अज़ला के आजमाइशें देखे, चारों आजमाइश। अब ये चारों आजमाइश में से हर मिसाल में कौन सी आजमाइश किस तरह इस्तेमाल करेंगे ये देखेंगे हम। मशकी सेट 5.2 का पहला सवाल, शक्ल में ज़ुर्बतुल अज़ला ABCD एक मुतवाज़िल अज़ला है। ABCD क्या है? मुतवाज़िल अज़ला है, तो तमाम खसूसियात उसके सामने आ जाना चाहिए कि मुकाबिल के जिले मुतमासिल होते हैं, मुकाबिल के जिले मुतवाजी होते हैं, मुकाबिल के जाविये मुतमासिल होते हैं, वितर एक दूसरे की तनसीब करते हैं। तो नुक्ता पी और क्यू बिल तरतीब जिला AB और जिला DC के वस्ती नुकात है। पी और क्यू AB और DC के वस्ती नुकात है, यानी ये AP बराबर PB और DQ बराबर CQ। तो यहां पर हमें यह बताना है कि साबित कीजिए कि ज़ुर्बतुल अज़ला APCQ मुतवाज़िल अज़ला है। आइए इसका सबूत पेश करेंगे। पहले लिखेंगे हम साबित करना है कि ज़ुर्बतुल अज़ला APCQ मुतवाज़िल अज़ला है। तो सबूत में जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे कि ज़ुर्बतुल अज़ला ABCD एक मुतवाज़िल अज़ला है। अब मुतवाज़िल अज़ला है तो क्या यहां पर हमें यह साबित करने के लिए कौन सा मुकाबिल के जिले मुतमासिल होते हैं, इसीलिए AB बराबर CD। वजह मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के जिले। अब यहां पर देखेंगे AB बराबर CD और क्या के AB मुतवाजी है CD, तो यहां पर वही जवाब मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के जिले मुतवाजी होते हैं। अब AB मुतवाजी है CD, AB मुतवाजी है CD। हमें क्या दिया गया है कि नुक्ता P AB का वस्ती नुक्ता, नुक्ता Q DC का वस्ती नुक्ता है। तो हम डायरेक्ट हम ये बता सकते हैं कि AP भी मुतवाजी है CQ। AP मुतवाजी है CQ। वजह क्या है? नंबर एक देंगे इसे, और वजह क्या लिखेंगे कि नुक्ता P A और B के दरमियान में, और ये मुतवाजी है इसके, नुक्ता P A और B के दरमियान में है और नुक्ता Q C और D के दरमियान में वाके है। इसीलिए जब AB मुतवाजी है CD के तो AP भी मुतवाजी रहेगा CQ के। अब दोबारा हम ये लिखेंगे AB बराबर CD। अब AB बराबर CD है तब हम इसके तरफेन को 1/2 से ज़र्ब करने पर क्यों ज़र्ब कर रहे 1/2 से, बताते हैं हम आपको आगे इंशाल्लाह। 1/2 ज़र्ब AB बराबर 1/2 ज़र्ब CD। वजह क्या है? क्या हमें नुक्ता P AB का वस्ती नुक्ता दिया गया और नुक्ता Q CD का वस्ती नुक्ता दिया है, तो इसीलिए यहां पर AB किसका निस्व रहेगा? AB का निस्व क्या रहेगा? AP, और CD का निस्व क्या रहेगा? CQ। तो इसीलिए हम सीधा लिख सकते हैं AB का निस्व AP बराबर CD का निस्व CQ। नंबर दो, और यहां पर वजह लिखेंगे हम नुकात P और Q बिल तरतीब
बिल तरतीब जिलाई भी और जिला डीसी या सीडी के वस्ती नुकात है। इसीलिए जब ये वस्ती नुकात है तो एपी एबी का निस्फ, तो एबी का निस्फ क्या रहेगा एपी, और सी डी का निस्फ क्या रहेगा सी क्यू या डी क्यू। हमें सी क्यू की जरूरत है, यहां पर एपी की जरूरत है। अब ये लिखने के बाद मसावत एक और दो देखो, मुकाबिल के जिले मुतवाजी और मुकाबिल के जिले मुतमासिर। तो मसावत एक और दो से किसी जोर बतुल मसावत एक और दो से हम फिर से लिखेंगे कि एपी मुतवाजी है, किता एपी मुतवाजी है, किता सी क्यू और किता एपी मुतमासिल है, किता सी क्यू। तब हम कह सकते हैं कि किसी जोर बतुल जिला के, किसी जोर बतुल जिला के मुकाबिल के, मुकाबिल के इजला की एक जोड़ी मुतवाजी और मुतमासिल हो, मुतमासिल हो तो वो क्या होता है मुतवाजील इजला, मुतवाजील इजला होता है। क्यों? क्योंकि एक जोड़ी यह आजमाइश है मुतवाजिल इजला की के किसी जोर बतुल इजला के मुकाबिल के इजला की एक जोड़ी मुतवाजी और मुतमासिल हो तो वो मुतवाजिल इजला होता है। इसीलिए जोर बतुल इजला ए पी सी क्यू एक मुतवाजिल इजला है, मुतवाजिल इजला है, ये साबित किए हमने। अब सवाल नंबर दो देखेंगे, सवाल नंबर दो ये नहीं है, सवाल नंबर तीन है, सवाल नंबर दो इसके बाद देखेंगे हम लोग, ये गलती से लिखा गया है। खैर कोई बात नहीं, पहले हम सवाल नंबर तीन हल कर लेंगे। मशकी सेट पांच अशारी दो का सवाल नंबर तीन के शक्ल में नुक्ता जी मुसल्लस डीएफ का हिंदेसी मरकज है। हिंदेसी मरकज किसे कहते हैं कि किसी जोर बतुल इजला का वस्त, किसी मुसल्लस का वस्तानिया खींचा जाए तो उस वस्तानिया का एक हिंदेसी मरकज होता है। और वो वस्तानिया की एक खसूसियत क्या रहती है कि मुकाबिल के किसी राज से मुकाबिल के जिले पर वस्तानिया खींचा जाए तो वो वस्तानिया उसे दो मसावी हिस्सों में तकसीम करता है। तो मुसल्लस डीईएफ का वस्तानिया क्या है डीएम, डीएम है। अब यहां पर क्या बोल रहे हैं कि शुआ डीजी, शुआ डीजी पर नुक्ता एच इस तरह है कि, शुआ डीजी पर नुक्ता एच इस तरह है कि डीजीएच, डीजीएच और डीजी बराबर जीएच, डीजी बराबर जीएच। तो साबित कीजिए कि जोर बतुल इजला जीईएचएफ, जीईएचएफ मुतवाजिल इजला है, यानी हमें ये साबित करना है डी जी एच एफ मुतवाजिल इजला है। तो यहां पर हम सबूत के अंदर ये तो लिखना जरूरी है कि साबित करना है वगैरह ये वो, हमने डायरेक्ट शुरू कर दिया। इधर फर्ज किया राज डी से खींचा हुआ वस्तानिया जिला ई एफ को नुक्ता एम पर खता करता है, यहां पर ये नुक्ता नहीं दिया गया, नुक्ता एम पर खता करता है। नुक्ता जी हिंदेसी मरकज है, नुक्ता जी क्या है हिंदेसी मरकज है, यानी
जो वस्तानिया डीएम को हिंदसी मरकज, ये हिंदसी मरकज डीएम को हिंदसी मरकज दो निस्बत एक की निस्बत में तकसीम करता है। तो जो भी वस्तानिया होता है वो वस्तानिया जो है ये वस्तानिया को ये हिंदसी मरकज दो निस्बत एक में तकसीम करता है। ये फर्स्ट टर्म में हमने देखे, तो आइए वो सबूत पेश करेंगे हम लोग। इसीलिए डी जी बराबर या डी जी निस्बत जी एम बराबर दो निस्बत एक, यानी क्या, डी जी बटे जी एम बराबर दो बटे एक। तिरछी जर्ब करेंगे तो डी जी जर्ब एक, डी जी बराबर दो जी एम बराबर है, डी जी बराबर दो जी एम, यानी ये जो है डी जी की लंबाई जी एम के दुगना के मसावी है। नंबर एक देंगे इसे मसावत नंबर एक। अब देखेंगे डी जी बराबर जी एच दिया हुआ है क्या नहीं। अब डी जी बराबर जी एच ये क्या है, दिया हुआ, दिया हुआ। तो यहां पर ये जो डी जी है जी एच क्या है, जी एम जमा एम एच, तो जी एच की जगह हम क्या लिखेंगे, जी एम जमा एम एच। वजह क्या लिखेंगे, जी डैश एम डैश एच, यानी एम नुक्ता एम जी और एच के दरमियान में वाक़े है। अब डी जी की कीमत कितनी है, दो जी एम, तो दो, इसीलिए हम लिखेंगे दो जी एम बराबर जी एम जमा एम एच। अब दो जी एम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, दो जी एम की जानिब, तो क्या हो जाएगा, नफी हो जाएगा, जमा में है तो क्या हो जाएगा, नफी हो जाएगा। तो दो जी एम नफी जी एम बराबर एम एच। दो जी एम में से एक जी एम गए कितना बचा, एक जी एम बराबर एम एच नंबर दो देंगे। जी एम बराबर एम एच यानी ये मसावी है। और दिया हुआ क्या है कि ई एम बराबर एम एफ, ये क्या है, दिया हुआ है। क्यों, कैसे दिया हुआ है कि डी एम ये क्या है, वस्तानिया है, वस्तानिया मुकाबिल के जिले को दो मसावी हिस्सों में तकसीम करता है। तो ई एम बराबर एम एफ ये नंबर तीन देंगे इसे। दो और तीन से जोर बतुल इजला जी ई एच एफ, जी ई एच एफ में दो और तीन से क्या लिखेंगे, जी एम किता जी एम बराबर किता एम एच और किता ई एम बराबर किता एम एफ, यानी ये इसके भीतर एक दूसरे की तंसीफ कर रहे हैं। तो जब एक जोर बतुल इजला के भीतर, जब जोर बतुल इजला के भीतर एक दूसरे की तंसीफ करते हैं, तंसीफ करते हैं तो वो क्या होता है, मुतवाजियुल इजला होता है, मुतवाजियुल इजला होता है। इसीलिए जोर बतुल इजला जी ई एच एफ एक
متوازی الاضلاع ہے, جی ای ایچ ایف ایک متوازی الاضلاع ہے. تو کس طریقے سے ہم نے متوازی الاضلاع کے آزمائشوں کا استعمال کر کے یہ دونوں جو ہے سوالات حل کیے. آئیے اس کا دوسرا سوال اور چوتھا سوال بھی آگے انشاءاللہ ہم حل کریں گے.